कटनी में एसीसी वालों ने जमकर मनमानी कर सरकार को चूना लगाने का काम कर रखा है। पूर्व मंत्री विधायक संजय पाठक ने जब एसीसी प्रबंधन से सवाल किए तो उनके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में प्रशासन ने कहा कि करोड़ों रुपए के अवैध खनन की जांच की जाएगी। वहीं पर्यावरण विभाग भी फ्लाई ऐश के मुद्दों पर एसीसी वालों की जांच करेगा। एसीसी की गड़बड़ियों को लेकर विजय राघवगढ़ के एसडीएम कार्यालय में प्रशासन ने एक बड़ी मीटिंग की। बैठक में पूर्व मंत्री विधायक संजय पाठक, जिला कलेक्टर अवि प्रसाद, पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन, एसीसी मैनेजमेंट से कैमोर प्लांट हेड वैभव दीक्षित, अमेटा प्रोजेक्ट से मनोज शर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी महेश मंडलोई और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विधायक संजय सत्येंद्र पाठक के सवालों का जवाब एसीसी कैमोर एवं अमेटा का प्रबंधन नहीं दे पाया। आपको कवर्ड बॉक्स में लानी चाहिए, आप खुले डब्बे में ला रहे हो। आपको कवर्ड स्पेस में रखना चाहिए, आप खुले स्पेस में रख रहे हो। आपका ट्रांसपोर्टर सड़क के किनारे फ्लाई ऐश गिरा रहा है, जहां एक तरफ इंसान मरेंगे, दूसरी तरफ जानवर मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, पर्यावरण को भी खतरा पैदा कर रहे हो आप लोग। अब मैं कलेक्टर साहब आपसे आग्रह करूंगा, ये तो स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट का और एयर एंड वाटर पॉल्यूशन का ये वायलेशन है, स्ट्रिक्ट वायलेशन है। इसमें तो आईपीसी लगा के इनके ऊपर, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। इसमें अभी तक क्यों कार्रवाई है और जिला प्रशासन या हम और आप अभी तक क्यों पीछे हैं इसमें? ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है इनका। ये बोल के आप बच नहीं सकते हो कि इसमें सतना के प्लांट भी है, रीमा के प्लांट भी है, मैयर के प्लांट, ठीक है, वो जो होंगे सो होंगे। जिस रोड से आ रहे हैं उस रोड पे गिरा रहे हैं आप, बोलते वहां वाले प्लांट वाले गिरा रहे हैं, 10% 20% आपके वाली गाड़ी भी गिरा रही, आपके प्लांट के अंदर क्या हो रहा है? सड़क के किनारे, ये पॉइंट भी आपका कलेक्टर महोदय, सेकंड पॉइंट भी इनका गलत है। बैठक में एसीसी कैमोर प्लांट एवं अमेटा प्लांट और सेल कुटेश्वर माइंस में स्थानीय लोगों को रोजगार, एसीसी द्वारा किसानों की सहमति के बगैर अवैध खनन कर लाखों टन लाइमस्टोन निकालने, मजदूरों, स्थानीय ठेकेदारों के 3 करोड़ से अधिक रुपए के भुगतान न करने के संबंध में तीनों उद्योगों के प्रबंधन एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय जनहितैषी मुद्दों पर चर्चा हुई। विधायक संजय पाठक ने 37 सूत्रीय मांगों पर जिला प्रशासन द्वारा एसीसी के दोनों प्लांट मैनेजमेंट से बिंदुवार जवाब मांगे, जिसके अधिकतर सवालों के जवाब से जिला कलेक्टर एवं विधायक संजय पाठक असंतुष्ट दिखे। विधायक संजय पाठक ने अमेटा के लोगों को रोजगार दिए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, जब से इस विषय पर उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाया है, उसके बाद मेहगांव एवं अमेटा पंचायत से कितने लोग निर्माणाधीन प्लांट में रोजगार मिला है, इसकी आप जानकारी दें। इस पर एसीसी प्रबंधन संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए और जानकारी भी नहीं दे पाए। वर्तमान समय में 1800 करोड़ के अमेटा प्रोजेक्ट में अमेटा के एक भी मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। किसानों की कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर खनन करने वाले सवाल पर भी एसीसी वालों ने गोलमोल ही जवाब दिया, जिस पर जिला खनिज अधिकारी से जांच कर जुर्माना लगाने जैसी आवश्यक कार्रवाई करते हुए कलेक्टर को रिपोर्ट देने को कहा। सीमेंट बनाने में उपयोग होने वाली फ्लाई ऐश को इंसानों के संपर्क में आने पर कैंसर का कारण बनती है, उसे खुले में छोड़ दिए जाने के मुद्दे पर एसीसी मैनेजमेंट के जवाब से संजय पाठक संतुष्ट नहीं हुए। जो विधानसभा में मैंने ध्यान आकर्षण लगाया था, जिसमें एसीसी कंपनी के एसीसी प्लांट, अमेटा प्लांट और गैरतलाई कोटेश्वर स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो माइनिंग एरिया है, उस तीनों उद्योगों के संबंध में मैंने ध्यान आकर्षण लगाया था कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोगों की जमीनें बिना अधिग्रहण के कब्जे में कर ली गई है और उसमें इलीगल तरीके से चलो माइनिंग भी हो गई, जो भी था, अब कम से कम भूमि स्वामियों को उनका उचित मुआवजा मिल जाए और परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, इससे संबंध में मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था। साथ में ये भी ध्यानाकर्षण था कि जो एसीसी अमेटा का नया प्लांट लग रहा है, जिसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को ही एसीसी के मैनेजमेंट ने ये आश्वस्त किया था कि 75% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन 25% भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देखते, भारी लोगों से काम कराया गया, निरंतर इसकी हमारे द्वारा शिकायत की गई, विधानसभा प्रश्न उठाया गया, उसके तारतम्य एक बैठक दो बैठक पहले हो चुकी थी, आज एक तीसरी बैठक हुई है जिसमें कि अंतिम निर्णय पर ये पहुंचे कि तो 12 तारीख को इसी एसडीएम कार्यालय में सारे क्षेत्र के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि अपने अपने जिसकी भी जो भी परेशानी बची हो वो 12 को दे दें, ताकि हम 2-4-5 दिन का समय फिर से एसीसी को देकर उस अंतिम निर्णय पर आ जाएं
और अंतिम निर्णय पर ACC कंपनी और हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो कोटेश्वर माइंस वाले हैं, अगर इन्हें सकारात्मक निर्णय नहीं लिया मजदूरों के हित में, किसानों के हित में, बेरोजगारों के हित में, तो फिर जनता आंदोलित होगी और इसकी जवाबदारी संबंधित अपने प्लांट और अधिकारी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।